दोस्तों, अगर यदि आप पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं तो छोड़ दो, वरना हो जाओगे बर्बाद, ऐसा लोगों का कहना है। तो ऐसा क्यों ये कहना है, लोग क्यों ऐसा कहते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और मैं इस बिजनेस को पिछले 8 साल से कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में आज कुछ बारीकियाँ बताने वाला हूँ। बहुत लोग का ये कहना है, मेरे वीडियो पे भी कमेंट्स आते हैं कि इस बिजनेस को छोड़ दो वरना बर्बाद हो जाओगे, आप कभी इस काम को नहीं कर पाओगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर लोग क्यों कहते हैं और क्यों लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि मेरे नज़र के सामने लोग मशीन लगा रहे हैं और उसको बंद कर दे रहे हैं, और क्यों बंद कर रहे हैं ये सारे पॉइंट हम आज क्लियर करेंगे आप लोग के साथ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, बर्बादी के कारण लोग खुद हैं, लेकिन कोई भी अपने ऊपर अपना गलती नहीं बताता है। सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पे गलती थोप देता है कि इस वजह से हो गए, उस वजह से हो गए, लेकिन आप कभी अपने अंदर में झांक के नहीं देखें कि हम कहाँ गलतियां किए हैं जिसके वजह से हम बर्बाद हो गए हैं। लोग कहते हैं कि इस बिजनेस को मत करो वरना बर्बाद हो जाओगे, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहते कि भाई इस काम को करो, अच्छे से करो, आप आगे चल के अच्छी तरक्की करोगे। क्योंकि कोई भी इस बिजनेस को बारीकियों से नहीं देखा है, कोई भी इस बिजनेस को नज़दीक से नहीं देखा है, लेकिन जो देखा है वो तो कहेगा ही ना कि आप बर्बाद नहीं होगे। जो नहीं देखा है उनका तो काम ही है कहना, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है उल्टा सीधा बताना, लेकिन कोई भी आपको अच्छे रास्ता नहीं दिखाया, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ इस काम को करो अभी नहीं, लेकिन 2-4 साल में, 6 महीने में आपका काम बढ़ जाएगा। तो इसी सब के कारण से लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे का टांग खींचते हैं ताकि कोई भी इस काम को ना करें। और बर्बादी होने का कारण क्या है हम ये भी बताते हैं। पहला नंबर तो आपको यही नहीं पता कि आपको मशीन कौन सा लगाना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, कौन से आइटम में क्या बनाना चाहिए और कैसे मार्केट में हैंडल करना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, हमें क्या दिखाना चाहिए और क्या हम दिखा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका रेट जो होता है कैलकुलेशन कैसे करें जिससे हमें कम से कम मार्जिन में मेरा माल तैयार हो जाए। अगर यदि हम किसी को बताते हैं तो लोग उल्टा कमेंट करके हमें खुद बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, भाई आप मेरे पास आके बैठो और उसके बाद आप हमसे पूछो, आपके सारे सवालों का जवाब हम देंगे। लेकिन अगर यदि आप चाहते हो कि हम आपको फ़ोन पे एक एक बात का कमेंट्स करके आपको जवाब दे पाएँ या व्हाट्सएप पे, तो वो संभव नहीं होता है। आपको अगर कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पास आइए, आपको वो सारे नॉलेज दिया जाएगा जो आपको ज़रूरत होगी। और अगर यदि आप अच्छे से इस काम को करते हैं तो भाई इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर है। अगर यदि आप इस काम को समझ जाते हैं तो बहुत बड़ा फ्यूचर है इसमें। हम आपको एक ऐसा बात बताने वाले हैं, अभी नहीं बताएंगे, 15 दिन का समय है, 15 दिन में हम आपको ये साबित कर देंगे कि क्या इस बिजनेस को करके हम क्या से क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि बर्बाद है, लेकिन हम आपको प्रूफ देंगे 15 दिन के बाद, अभी तो नहीं, लेकिन 15 दिन के बाद हम आपको प्रूफ देंगे कि हम इस बिजनेस को करके कहां से कहां पहुंच रहे हैं और क्या कर रहे हैं सिर्फ पेपर प्लेट के माध्यम से। लोग कहते हैं कि पेपर प्लेट का जो बिजनेस है बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा है, लेकिन बिजनेस, हर बिजनेस गंदा है, हर बिजनेस खराब है, उसको करने का तरीका होना चाहिए, उसका जो नज़रिया होता है, लोगों को नज़रिया बदलना चाहिए कि कोई भी काम हो, जो भी काम हो, उस काम को उस काम के हिसाब से अगर आप करते हो तो ही उसमें कुछ कर पाओगे। अगर यदि आप सोचते हो कि हम इस काम को लगाए और तुरंत हो गया, तो वैसा कुछ नहीं होता है। यही हिसाब से आपको बिजनेस को भी करना होता है, तो आपको उसमें टाइम देना होता है। आप टाइम देते हैं है ही नहीं, और आप कहते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो गए, कोई मत करना इस काम को। उसके बाद आपको ये भी नहीं नॉलेज है कि कौन सी आइटम के लिए कौन सा मशीन हमें लेना चाहिए।
आप जब आप नुकसान होता है कब, इस पर हम आपको एक वीडियो देने वाले हैं, इस पर हम आपको एक वीडियो देंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम यही चीज़ के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा मशीन किस टाइम लगाना चाहिए और कौन से मशीन पे कितना प्रॉफिट आपको होगा, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे उस पर। लेकिन अभी जो हम बात करते हैं लोगों का वो जो कहना है कि बर्बाद होते हैं उसके ऊपर, कि आखिर में बर्बादी का कारण क्या है। जब तक आप खुद से नहीं इस काम को समझते हैं तब तक आप बर्बाद होंगे ही। जब तक आप इस काम को समझ बिना समझे काम करते हैं तब तक आप बर्बाद होंगे ही। आपको इस काम को करने से पहले समझना चाहिए। बिना समझे अगर आप काम करते हैं तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है, जितना भी पैसा है सारा आपका बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी काम अगर यदि आप सोचते हैं कि हम अपना मन से कर लेंगे, YouTube पे की वीडियो देख के कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। YouTube पे 95% क्या 99% झूठ बातें होती हैं। आपको सच कब होगा, जब आप वहाँ जाके खुद देखेंगे, खुद आप उसके बारे में समझेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब सिर्फ YouTube पे देख के आप बात कर लेंगे, YouTube पे देख के आप काम शुरू कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं है और वो नहीं होना चाहिए। आप लोग को हम हर बार इस बात को कहते हैं कि जब तक आप नहीं समझते हैं, जब तक आप नहीं सीखते हैं, तब तक आपको काम नहीं करना चाहिए। बिना आप सोचे समझे सीखे आप अगर काम को करते हैं तो उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे, कोई YouTube वाला नहीं है, कोई मशीन वाला नहीं। लोगों को आप जो गलत नज़रिया से देखते हैं, गलत तरीके से बताते हैं, ये हम मानते हैं कि बहुत मशीन वाला भी ऐसा होता है कि लोगों को ठग लेते हैं, लेकिन उसको ठगने के कारण भी आप लोग खुद हैं। आप लोग खुद उसको परेशान करते हैं ठगने के लिए, क्योंकि आप ऐसे ऐसे बात करते हैं। पहला नंबर तो इस बिजनेस को करने के लिए अगर यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो आप इस काम को करें ही ना। कम से कम 1.5-2 लाख रुपये होना चाहिए तब आप इस काम को करें। आप सोचते हैं कि हम 50,000 में 40,000 में मशीन ले लें और हम काम कर लें, तो सच बात तो ये कि 40,000 या 30,000 का मशीन पेपर प्लेट में ढंग का कोई मिलेगा ही नहीं। बेचने वाले का काम है, आप जैसा पैसा देंगे वैसा सामान मिलेगा, लेकिन आप सोचेंगे कि हमें इतना ही में उतना हो जाए तो नहीं होता है। एक कहावत है, जितना आप चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। आप सोचोगे कि हम चीनी भी कम दे और मीठा भी पूरा हो, तो वैसे नहीं होता है। तो इसीलिए अगर यदि आपको इस काम को अच्छे से करना है, सोच समझ के करना है, 2 पैसा कमाना है, तो पहले इसमें बहुत कुछ आपको गंवाना पड़ेगा। क्या गंवाना पड़ेगा, पहले तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा, अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको उसमें समय देना पड़ेगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने। और ये क्यों हम कह रहे हैं, जब तक आपको इसके बारे में फुल डिटेल नहीं पता चल जाएगा, जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपको इस काम में प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा। आप इस काम में कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना तो आपको कुछ समझ में आएगा, लेकिन लॉस होगा। इसका हम फुल गारंटी लेते हैं कि अगर आप बिना सोचे समझे इस काम को करते हैं तो लॉस के सिवा कुछ नहीं होगा। और अगर यदि आप इस काम को सीख के समझ के करते हैं तो आपको फायदा ही फायदा होगा। सीखने में क्या जाता है यार, जब आप इस काम को करने के लिए इतना बेताब हैं, इतना उत्सुक है कि हम इस काम को करेंगे, तो फिर थोड़ा सा इन्वेस्ट और क्यों नहीं करना चाहते हो। अगर थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करके या काम को करते हो तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा और आपका जो पैसा लगाते हैं उससे आपको 2 पैसा आएगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप लोग हर वक्त सिर्फ दूसरे पे ब्लेम डालने पर रहते हैं, दूसरे को बदनाम करने पर रहते हैं, लेकिन अपने अंदर चीज नहीं देखते हैं। सोचते हैं कि इस मशीन में देख लिए कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। जो इस काम को कर रहा है ना उसको पता है कि इसमें कितना बारीकियां हैं और कितना परेशानी है। अगर यदि आप इस काम को करना चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना सीखे इस काम को मत करें, उसी में भलाई है, वरना सारा पैसा बेकार होगा आप लोगों का मशीन लगाया हुआ। मेरे सामने लोग मशीन लगा रहे हैं, 2 महीने के अंदर मशीन को बंद कर दे रहे हैं कोई ना कोई कारण से, या तो उनको प्रॉफिट नहीं समझ में आता हो, या उनका मटेरियल नहीं सही मिल रहा हो, या उनको जो क्वांटिटी निकलना चाहिए माल में वो नहीं निकलता हो, कुछ ना कुछ उसको जो कि प्रॉब्लम आता ही रहता है। आप सीख के करेंगे, आपको एक मोटिवेट करने वाला मिलेगा, तो ही आप इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम हो, अगर यदि आपको एक सपोर्ट करने वाला हो, एक सहारा देने वाला हो, तो आपको इस काम को करने में आसानी होगी, अब बोरिंग नहीं लगेगा और परेशान नहीं होगे आप। और अगर यदि आप अपने मन से सब कुछ करते हो तो ये माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि आप इस काम को नहीं कर पाओगे, फिर उसको बंद कर दोगे। उसके बाद लोगों से कहोगे कि हम परेशान हो गए, हमारा फंस गया पैसा, ऐसे है वैसे है।
ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं सीखोगे और फिर भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वही कि स्टार्टिंग में थोड़ा बर्बादी होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा, उसके बाद आप संभलोगे। क्योंकि जब तक बंदा गिरता नहीं तो वो संभलता नहीं है। अगर आपको संभलना है तो आपको गिरना ही पड़ेगा। गिरोगे जब भी तो आप दर्द का एहसास होगा आपको, जब भी तो आप संभलोगे। तो इसीलिए जब भी इस काम को करते हो भाई, तो पैसा के साथ साथ नॉलेज भी बहुत जरूरी होता है। सिर्फ कॉलेज जाने से नहीं होता है, नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप इस काम को करते हो तो पहले नॉलेज रखो, उसके बाद इस काम को करो। और अगर आप हमसे कुछ सीखना चाहते हो तो आपको हमारे पास आना होगा। फोन पे व्हाट्सएप पे हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आओगे तो आपको हर बारीकियों को बताएंगे, फोन पे उतना बारीकियों को नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे जिससे कि आप कुछ कर सकें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।